पूरी तैयार हो चुकी है, ठीक है, और पूरी बना चुके हैं हम। और ये तो हलवा मैंने आपको दिखा दिया था। अभी हम जा रहे हैं टुकड़ी चावल लेने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अष्टमी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज अष्टमी है, तो आज कन्या पूजन है, तो मेरे घर पे भी कन्या पूजन है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं अभी नहा धो के आई हूँ और अभी मतलब आपको सीटी की आवाज़ आ रही होगी, तो अभी तैयार हो रहा है। मैंने अभी चने भिगोने मतलब भिगो के अब चढ़ा दिए, अब पक रहे हैं वो। तो आज कन्या पूजन है, अभी हम मतलब मेरी फ्रेंड्स आएगी, वो खाना वाना बनाने मेरी हेल्प करेंगी, उसके बाद फिर कन्या पूजन करेंगे हम, ठीक है। और सब आएंगे, मुझे इतना कुछ आइडिया है नहीं कैसे, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड्स जो हैं दो चार, तो उनको पता है कि कैसे क्या करते हैं। चने मतलब पकाने के लिए रख दिए हैं, फिर हम क्या क्या बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ, अभी उनको आने देती हूँ, ठीक है। तो मैं भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या सेटअप किया है, मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने सोचा कि बिठाने के लिए कि कैसे करते हैं, तो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मतलब उनका बैठने का इंतज़ाम कर दिया है, ठीक है। मैंने शाम को ही सेटअप कर दिया था, सुबह मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया तो, और ये वाला एरिया खाली कर दिया और यहाँ पे मैंने ये बिछा दिया, और मतलब जब वो आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठेंगे वो, ये पक गए हैं, बाद इसको बनाएंगे हम। अब इसके बाद मैं आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू मैं बॉईल करती हूँ अभी। तो अभी आ रहे हैं वो लोग, वेट कर रही हूँ मैं उनका, तब से सबको सेटअप कर दिया है मैंने। बाकी मुझे हैं, ये है प्रिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अष्टमी, हैप्पी अष्टमी। ये है अंकिता, ये है गीता जी। इधर हम लोग पता नहीं किसकी अंदर चलो, क्यों मनीता नहीं आई क्या? आएगी, कब आएगी? अच्छा ये लोग ये पागल लड़की, अरे हाँ, अरे अंदर खोलो, कोई नहीं ठेला है। तो ये आ चुकी हैं तीनों, ठीक है, ठीक है, चलो। मैं वो जो क्या बोलते खीर की जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, वो भूल गई थी कल, मेरे को प्रिया ने बोला था कि लेकर आना, अभी मैं और अमिता मतलब अंकिता जा रहे हैं लेने के लिए। तो चलो आप हमें बोलो, अरे मैं भूल गई, खुद भूल गई मैं यार, कल मुझे इतना इतना कंफ्यूज हो गई थी मैं बहुत ज्यादा। अरे अभी हम जा रहे हैं टुकड़ी चावल लेने, मैंने तो पहली बार सुना सही में नाम ही, इधर कोई शॉप ही नहीं है ना रस्ते में, तो अपने को उधर जाना पड़ेगा शायद मेन रोड पे। हाँ, मेन रोड से, क्योंकि इस साइड हमारे तो एक शॉप भी नहीं थी बिल्कुल भी। यार यहाँ गाड़ियाँ लगा लेते हैं, और जब कभी ऐसे कोई ऐसे वो हुआ ना, जैसे निकालनी होती होगी, जैसे मतलब यहाँ पे जैसे कॉफी टाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा चलता होगा ना? बहुत अच्छा चलता है, तो यहाँ पे लोग ना बहुत ऐसे पार्किंग, घर के बाहर भी ऐसे पार्किंग लगा देते हैं, ठीक है, और फिर उस वजह से निकालना मुश्किल हो जाता है। गाइस, तो अभी हम टुकड़ी चावल लेने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो पहली बार नाम सुना टुकड़ी चावल, अरे वो जो शायद खीर के लिए बनाते होंगे, पता नहीं, मैं तो बड़े चावल से ही बनाया खीर भी। तो मैंने तो बोला कि लेकर, कल शाम को मैंने फोन किया था कि क्या क्या लेके आना है प्रिया को, हाँ तो उसको फोन किया था मैंने, गीता जी, तो मैंने गीता जी को फोन किया कि सुबह कितने बजे आओगी, हाँ तो गीता जी सोने दे मेरे को, मेरे को फोन कर दे, अरे उठी नहीं, चलना नहीं है क्या फिर अपने को, फिर रेस्ट भी करना है, मैं वाली गए नहीं, उससे पहले रेस्ट करना है। फिर सुन, फिर सुबह मैंने बोला ठीक है, मैं कहा गीता जी एक काम करो, सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगी बोलती हूँ मुझे, तो मैंने बोला गीता जी सुनो मेरी बात, मैं सुबह सुबह ना मेरे को 7 बजे से पहले फोन मत करना, कि 6 बजे उठ के फोन कर लिया या 5 बजे फोन कर लिया, प्लीज मत करना, मेरे को 7 बजे से पहले मैं वैसे भी नहीं उठूंगी। तो फिर 7 बजे फोन किया कि उठ जा, मैं आ रही हूँ, आ रही, मैंने बोला आ रही हूँ, 7 भी नहीं बजे थे यहाँ। हाँ मेरे को कॉल करते, अरे तू उठी नहीं है क्या, मैं बोली उठी नहीं, मैं तो मुंह ही नहीं धोया उठ के, बोलते नहीं नहीं उठ जा फिर अपन चलना है, फिर आएंगे, फिर रेस्ट करें, मैं बोली पहुंचे नहीं है, पता नहीं क्या कर रही होंगी रेस्ट करने के लिए, मैं बोली अभी तक रेस्ट तो कर रहे हो, आज वैसे भी हमारा रेस्ट होता है मॉर्निंग का, पहले हमने सोचा था कि सुबह मतलब हमारा जिम होता है, जिम करके हाँ। तो फिर हम आ जाएंगे, आज जिम की वैसे छुट्टी कर दी ना, आज हाँ, तो वैसे मतलब कोई था ही नहीं इतने, आज अष्टमी थी तो हमारा मॉर्निंग ऑफ कर दिया, तो मतलब ऑफ ही होता है, जैसे अष्टमी फर्स्ट नवरात्रि और जो अष्टमी होती है उस टाइम हमारा, कल दशहरे की भी छुट्टी होगी फिर तो, हाँ छुट्टी करते रहेंगे हमारे लिए, है ना, कल तो इधर किधर मिलेगा, इधर मिलेगा शॉप, है ना, मिल जाएगा इस पर, हाँ इस पर मिल
मिल गया था, मैं सारा सामान यहीं से लेकर आई थी। हाँ इस पे तो दूध लेके गए थे हम। तो ठीक है मैं दिखा रही हूँ। हाँ ये रही ये रही, बढ़ चुकी गाड़ी तो, किराना स्टोर। तो हमने ले लिए हैं टुकड़े चावल। ये होते हैं टुकड़ी चावल, मुझे लगता है कि ये ना स्पेशली उसके लिए होता है, खीर के लिए, खिचड़ी के लिए। यार इधर हमारे हरियाणा की साइड इनको वो बोलते हैं छोटे वाले चावल, छोटे चावल ना। लास्ट में बनते हैं, मतलब चावल नहीं होते क्या, धान बोलते हैं हरियाणा की साइड ना। तो बड़े चावल तो अच्छे जब बिक जाते हैं, जो छोटे होते हैं ना वो खीर बनाने के लिए होते बस। इधर जयपुर की साइड बोलते हैं इनको टुकड़ी चावल, हमारे तो ऐसे बोलते हैं छोटे वाले रद्दी वाले चावल, रद्दी चावल। हाँ जो वो उसमें मिलते हैं, पहले वाले उसमें मिलते थे यार, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार बोरियों में मिलते थे। हाँ वो वाले हैं जो अच्छे वाले, वो तो बिक जाते थे, ये छोटे वाले बन जाते थे। तो घर में लेडीज है ना खीर बनाना स्टार्ट, जैसे खीर है सोचो मैं, वो लंबे चावल से ना बड़े से अजीब से चावल बनते हैं, खीर लंबे वाले चावल होते ना उसमें ओनली वो ही बनते हैं, चावल वगैरह सीधे बनाने होते हैं, पुलाव वगैरह में काम आते हैं, ये आते खीर में काम, और खिचड़ी में भी आते शायद। हाँ खिचड़ी में, खिचड़ी हाँ दाल हाँ 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 खिचड़ी में भी डाल। मैंने सोचा ये मूंग दाल में बन जाती होगी। ये हलवा बन चुका है और ये खीर रेडी हो रही है, और ये चना है, छाना सॉरी, जोत के लिए छाना है, ये जो गाय के गोबर का होता है ना। तो ये अभी आटा गूंथ चुके हैं, ठीक है, और अभी वो तो पूरी तैयार हो चुकी है, ठीक है, और पूरी बना चुके हैं हम, और ये तो हलवा मैंने आपको दिखा दिया था, और ये खीर रेडी हो चुकी है, और ये बन रही है, खुशबू लगेगी, भूख लग रही है ना, तो मैं उधर ही बैठी थी कब से। इसकी सब्जी बनी थी, बाकी से पूरी पूरी बन चुकी है, खीर का भूख लगेगा। ये आलू की सब्जी बन गई है, और ये है चने, तो ऑल इज सब रेडी हो चुका है, अब वेट कर रहे हैं हम उनका, वेट करेंगे, और ये तिलक विलक करने के लिए उनके लिए, कन्याओं के लिए। ये तैयार हो चुका है, ये भोग, ये हलवा, खीर और चने, और ये नारियल है। पूजा चल रही है इधर, अरे पानी तो नहीं रखा, अरे हाँ जल रहा है, वो लोटा रखा है, रख दिया मैंने सुबह रखा। ये माता जी की लो जल रही है, लो ही बोलते हैं ना उसको, धूप ही लगाना है, धूप नहीं रहने दो, ये कर दिया ना, ये देखो थोड़ा सा वैसे करके रखता। प्रिया तेरी शक्ल तो दिखा, दुपट्टे के पीछे ऐसे बन रखी है आज पूरी हरियाणवी ताई। इधर देख, इधर देख, हाँ दिख रही है, दिख रही, अच्छी दिख रही है, काजल लगा के आज तो, क्या बात है। नीता भी अभी आई है थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले, एक कितने, एक डेढ़ घंटा हो गया, एक डेढ़ घंटा हो गया इसको। टॉयलेट जा रहे तो क्या वही रोकी है रात भर, गजब ही है यार। और क्या मोटर डाल लो ना इनमें, सबसे छोटी बच्ची अंकिता। बैग देखो, बैग कितना सुंदर बैग है, बैग देखो उसका, इसका भी कितना मस्त है। कुछ 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 कुछ
बताओ गीता दीदी कैसा लग रहा है आपको छोटे छोटे बच्चे देख के? ये अंकिता बहुत काम करती है भाई। अंकिता बहुत काम करती है। बहुत। बोरे। इसको और सब्जी चाहिए। और सब्जी चाहिए तुम्हें लेकर आते हैं। पानी चाहिए? हाँ हाँ एक सेकेंड। आप खाओ आराम से। वो देखी थी क्यूट लग रही है। अच्छा है, टेस्टी है। ये पर्स किसने दिया? घर से लेकर आई हूँ। कितने पैसे जमा कर दिए इसमें? बहुत सारे। रेड कलर का लेके मस्त लग रहा। एक पैसे तो इनको 100 रुपए मिले ये देखो पूरी टीम कैसे जुटी हुई है। हमेशा तो ये मैच के लिए लड़ते रहते। ओ ये प्रिया ये प्रिया पूरियां बना रही है, सेक रही है ये। हाँ मतलब ये गीता दीदी है, मतलब सबसे सीनियर, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ये तो कुछ काम की नहीं है, रद्दी है एक नंबर की। करना क्या है? यस ये हमारे सुपरवाइजर। हां जिसको हमने कुछ ना खाया ना पिया तो अब हम बैठ के खाएंगे। अब हम बैठ के खाएंगे साथ में। ठीक है ये लो बैठ के खाएंगे। वो भी ठीक है। ठीक है टमाटर मिर्ची डाल दो। वाह प्रिया वाह ये हमारा ब्लॉग चल रहा है। बहुत ही टेस्टी खाना बना है। गुड आयुषी दीदी बहुत अच्छी बनाई आपने। सबने मिलके बनाया एंड मैं सबका बहुत शुक्र गुजारता ही दिल से। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरी हेल्प करी क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाती ये सब चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गाइस आज का व्लॉग इतना ही। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ओके बाय। दिख रहा है एकदम कुछ बाय।